बस 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 खड़ी रही है मैम। मैम यहाँ पे दिखिए ना, कैसे हो? कैसे मैम? इधर ही रुक जाइए, इधर ही। हाँ मैम यहीं पे। अब थोड़ा पीछे चली जाइए, चढ़ जाओ। बस 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 डन डन डन। कैसे मैम आप? बाइक का आपकी बाइक बाइक है? मेरी बाइक मैं बहुत मिस कर रही हूँ, बारिशों में निकाल नहीं पा रही हूँ ज्यादा, पर आई एम डेफिनेटली मिसिंग इट अ लॉट। तो मुझे ये पता नहीं होता ना गड्ढे कहाँ आ जाते हैं, तो एडवेंचर ज्यादा हो जाता है बाइक पे। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, ये है मोहब्बतें वापस टेलीकास्ट होने जा रहा है, कितने एक्साइटेड हो आप, क्योंकि आप खुद को ही अपने वापस टीवी पे देखने वाले हो। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये मोहब्बतें दोबारा से स्क्रीन्स पर नज़र आने वाला है, एक्चुअली आ रहा है ऑलरेडी। खुशी की बात ज़्यादा ये है कि हमारे जो फॉलोअर्स एंड फैंस जो मोहब्बतें को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो तब से गुजारिश कर रहे थे कि ऐसा दूसरा शो आ जाए, बट इससे बेहतर क्या है कि वो वही शो दोबारा देख रहे हैं ऑलरेडी। एंड ये कहीं ना कहीं हमारे शो की पॉपुलैरिटी के बारे में बताता है, दैट पीपल हैव रियली लव्ड ये है मोहब्बतें। और उस समय जब मैं काम कर रही होती थी इस शो पर, तब मुझे मालूम नहीं होता था कि लोगों को क्यों इतना पसंद है। अब जब मैं खुद के विजुअल्स देखती हूँ, दे वर गुड। इशिता और रोमन की जो केमिस्ट्री थी, अब मुझे भी वो छोटी छोटी नोक झोंक देखने में मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर भी बहुत लोग फैमिली सब पसंद करते हैं, और आपको इस बार भी सब मतलब नए अवतार में देखना चाहते हैं, तो अभी हम कभी आपको देखेंगे वापस। टू बिगिन विथ, आपने जो कहा कि बाहर भी लोग इसे पसंद करते हैं, जब मैं केप टाउन गई थी खतरों के खिलाड़ी के लिए, तो वहाँ की एक नेटिव वुमन मेरे पास आई, कहती है आई नो यू। मैंने कहा हाँ, मैं 2 साल पहले भी आई थी, इसी होटल में स्टे कर रही थी। एंड शी लाइक नो यू आर विद्या, ओह माय गॉड, नो सॉरी इशिता, विद्या वाली दूसरी थी। सो मेरे मोहब्बतें, मेरा बनू मैं तेरी दुल्हन, ये दोनों शोज साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा चले हैं, एंड पीपल हैव ऑलवेज लव्ड माय शोज, सो आई एम सो ग्रेटफुल दैट इट्स कमिंग बैक ऑन स्क्रीन। इसके अलावा और क्या कुछ नया लेकर आने वाले हैं? एक वेब सीरीज मैंने की थी जिसके बारे में बात भी नहीं कर सकती, जो कि अभी आने में थोड़ी देर है। उसके अतिरिक्त आई एम वेटिंग फॉर मोर शोज, अच्छी अच्छी कोई वेब सीरीज आए मेरे पास, आई एम रीडिंग अ लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स, खूब सारे हमारे सामने ऑफर्स आते हैं, बट अभी मुझे कुछ ऐसे का इंतजार है जो कि थोड़ा चैलेंजिंग हो, हट करो। लेकिन आपकी बुलेट एंट्री देख के लोग ज्यादा आपकी पसंद और बढ़ गई है, कुछ ऐसा फिर से एक बार ऐसा एंट्री कुछ सोचा आपने कहीं कुछ ऐसा नया धातु करने का? मैं ये तक सोच कर नहीं कर रही होती बुलेट पे एंट्री, आई जस्ट एंजॉय डूइंग इट। मैं वो सारे काम करती हूँ जो मुझे पसंद है, या फिर दूसरों को देख के अच्छा लगता है, सो आई ऑलवेज थिंक कि अगर कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, सो आई लर्न दोस थिंग्स, सो बाइक राइडिंग इज़ वन ऑफ दैट। जैसे कि अभी बिग बॉस OTT बहुत ट्रेंडिंग पे है, उसमें आप किसे फॉलो कर रहे हैं और किसे सपोर्ट कर रहे हैं, और इसमें यूट्यूबर्स भी अभी इन्वॉल्व हुए हैं? ऑनेस्टली मैं बिग बॉस नहीं फॉलो कर पाती हूँ, ये एक शो है जो कि मुझे जब फैंस बताते हैं कि क्या चल रहा है, तो ही मुझे उसके बारे में पता लगता है। फैंस और ऑडियंस के लिए लास्टली क्या कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से, इतना सारा प्यार देने के लिए? मैं ये कहूँगी कि आप ऐसे प्यार करते रहिए, ये मोहब्बतें दोबारा आ रहा है उसे देखिए, और आपने इशिता रमन की जो केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा पसंद किया है, वो इसी तरह की केमिस्ट्री वाला कोई और भी मेरा शो आए जल्दी और आप लोग को देखने को मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू।